गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका रिवीजन चल रहा है। चैप्टर 1 और 2 आएंगे आपके सिलेबस में है आपका। 14 तारीख से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और अपन पहले भी रिवीजन कर चुके हैं और आज हम फिर कर रहे हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। सही जो उत्तर होगा उस पर चिन्ह लगाएंगे। आपके 20 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, तो आप अच्छे से तैयार करके करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 19009 को अंकों में लिखो। 19009 को अंकों में लिखो। देखिए सबसे पहले इसके लिए स्थानीय मान जरूर लिखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और 19000 यानी 10000 लिखना होगा आपको। ठीक है, अब देखिए 19000 यानी 10000 और हजार को मालूम है ना आपको। हजार और 10000 की संख्या को एक साथ बोलते हैं और इकाई और दहाई की संख्या को एक साथ बोलते हैं। तो ये 19009 नौ कहाँ आएगा? इकाई के स्थान पर। बाकी जो सैकड़ा और दहाई पे कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा 19009। ठीक है, अब देखिए आपको ये देखना है, ये जो आपका आंसर आया, अब देखिए यहाँ पे क ख ग इसमें कहाँ लिखा हुआ है आपको दिख रहा है? क ख ग, चेक कीजिए। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? ख। नंबर 2, अब देखिए 35231 संख्या का विस्तृत रूप होगा। जो विस्तृत रूप हमने किया था ना, कैसे किया जाता है तो देखिए इसमें करने के तरीका क्या है। सबसे पहले समझिए, जैसे 3 के बाद में कितने अंक है? 1 2 3 4 यानी 3 के बाद में 4 जीरो लगेंगे। प्लस फिर 5 के बाद में कितने अंक है? 3, तो 3 जीरो। फिर प्लस 2 के बाद में कितने अंक है? 2, तो 2 जीरो। 3 के बाद में कितने अंक है? 1, तो 1 जीरो। फिर प्लस 1। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें कौन सा राइट है, क या ख, आपको चेक करना होगा। आप देखिए 3 में कितने, 3 के बाद में कितने? 1 2 3 4। अब आप देखिए इसमें क में 3 के बाद में इसमें 3 जीरो लग रही है, तो ये सही नहीं है। तो हम ख में चेक करते हैं, 3 के बाद में 4 जीरो, 1 2 3 4 सही है। फिर 5 के बाद में 3 जीरो, 2 के बाद में 2 जीरो, 3 के बाद में 1 जीरो प्लस 1, यानी राइट आंसर क्या हुआ हमारा? ख। फिर है आपका नंबर 3। नंबर 3 में क्या दिया है? 16345 और 10979 संख्याओं के मध्य ये इन दोनों में से एक चिन्ह आपको लगाना है, एक चिन्ह लगाना है। तो आप देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी कभी इस तरह की तुलना करने के लिए अंकों संख्याओं में तुलना करनी हो तो कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था जब भी ऐसे संख्याएं आए तो उसमें क्या करते हैं, संख्या में उनके अंकों की संख्याओं को गिनो। आप देखिए जैसे यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 यानी दोनों ही संख्याएं 5 अंकों की है। अगर दोनों में से कोई किसी संख्या का अंक कम होता, अंकों की संख्या कम होती तो वो संख्या छोटी हो जाती। जिस संख्या के अंकों की संख्या अधिक है वो संख्या बड़ी है, जिसके अंकों की संख्या कम है वो संख्या छोटी है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों ही 5-5 अंकों की संख्या है। तो अब हमें क्या, जब ऐसी स्थिति हो तो क्या करते हैं, बाई तरफ सबसे बाई तरफ का अंक चेक किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो अब दोनों समान हो गए। तो अब क्या करना है, दाई तरफ आप चलेंगे। अब यहाँ पे क्या है? 6 और यहाँ पे क्या है? 0, यानी 6 और 0 में से कौन सा अंक बड़ा हुआ? 6 बड़ा हुआ, यानी ये संख्या बड़ी है इससे। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये चिन्ह आएगा। ठीक है, फिर नंबर 4, निम्न संख्याएं आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में? आरोही और अवरोही मैंने आपको बताया था, आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लिखना। अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे यानी घटते हुए क्रम में लिखना। अब आपको इसमें चेक करना है ये संख्याएं जो लिखी हुई हैं आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5072, 10800, 18100, 98001,
यानी सबसे छोटी संख्या दिख रही है आपको, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ी और सबसे बड़ी, यानी ये कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। कौन सा क्रम हुआ? आरोही क्रम। तो राइट आंसर, आप देखिए क में क्या लिखा है, आरोही, ख में अवरोही और ग में कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या हुआ? क। ऐसे ही नंबर 5, 63,261 संख्या में 6 के स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए 63,261, इसमें 6 का स्थानीय मान निकालो और स्थानीय मान का योग ज्ञात करो। देखिए 6 का स्थानीय मान क्या है? 60। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इसका स्थानीय मान क्या हुआ? 60,000। आप दोनों का हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। क्या करना है हमें? इसका योग ज्ञात करना है। तो योग क्या होगा इसका? तो देखिए जब हम इनको जोड़ेंगे, 60,000 में 60 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 60,000 है, में 60 को जोड़ेंगे तो क्या आया? ये इसका आंसर 60,060। अब देखिए ये संख्या आपको कहाँ दिख रही है? क ख ग, कहाँ पर है? क ख ग, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ख इज राइट आंसर। ख में आपको सही का चिन्ह लगाना है। अब नंबर 6, इसमें क्या है? 86,251 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 2 का क्या स्थानीय मान हुआ? सैकड़ा। क्या हुआ? सैकड़ा, यानी 200। अब देखिए 200 इसमें कहाँ लिखा हुआ? क ख ग, इनमें देखिए 200 कहाँ लिखा हुआ है? क पे लिखा है, तो क पे सही का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से आपको ये वर्क करना है और आपको अच्छे से प्रैक्टिस खुद आप करनी है। समझ में आ गया? अब आपका रिवीजन बहुत हो गया है, रिपीट CW, ये आपको नोटबुक में करना है, ये तो करना ही करना है, और आपको चैप्टर 1-2 की और अपने आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, थैंक यू।